लुपस है क्या? ओके सो बहुत पेशेंट ये पूछते हैं कि लूपस है क्या. नॉर्मली रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें लोग कहते हैं कि संधिवात रोगों से रिलेटेड फील्ड है. रूमा एक वर्ड है जिसको ये कहा गया था कि बॉडी में कुछ तो घूमता है, तो आज भी बहुत लोग समझते हैं कि वात बॉडी में घूमता है. रूमेटिज्म उस नाम से डिराइव हुआ. बट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें पता चलने लगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसमें आर्थराइटिस होता है, उसमें से ल्यूपस एक ऐसा डिजीज है. बट ल्यूपस सिर्फ आर्थराइटिस ही नहीं है, वो इससे बहुत कुछ बढ़कर एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ऑटो इम्यून डिजीजेस उन डिजीजेस को कहते हैं जिसमें शरीर की जो लड़ने की शक्ति होती है, जो इम्यूनिटी का एक भाग है, वो कमजोर नहीं होता, वो एक्स्ट्रा एक्टिव होके अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है. और ल्यूपस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को अफेक्ट कर सकती है. और इन्फ्लेमेशन, बेसिकली जितने भी रूमेटिक डिजीजेस है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. बॉडी में अचानक इम्यून सिस्टम आप पे ही हावी होके या एक्स्ट्रा एक्टिव होके, ऑटोमेटिकली एक्टिव होके आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है. और ल्यूपस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ना की जॉइंट्स बहुत लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स है जैसे किडनी, लंग्स, लीवर, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं. और इसे ल्यूपस को मल्टी सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं. और रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो इन मल्टी सिस्टमिक बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ऑटो इम्यून डिजीजेस से डील करता है, और ल्यूपस एक ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है. जी थैंक यू. सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूपस डॉक्टर? के सिम्टम्स पे हम आ रहे थे. बस में बहुत कुछ हो सकता है. या कहिए. सो आई थिंक ल्यूपस के सिम्टम्स में बहुत कुछ हो सकता है. जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हम यूजुअली कहते हैं रैशेस, बॉडी पे बहुत सारे रैशेस आ सकते हैं. Right. खासकर हमारे चेहरे पे जिसको बटरफ्लाई रैश कहा जाता है. खासकर जो हमारी चीक एरिया है, चीक एरिया और नोज के पास में एक बटरफ्लाई पैटर्न में रैशेस आ सकते हैं. पूरे बॉडी पे लाल रैशेस आ सकते हैं. बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो सकता है, प्रोफाउंड हेयर लॉस होता है लूपस के पेशेंट्स को. कभी कभी इतना कि पूरा स्कैल्प या आपकी सर की खाल दिखने लगती है. थर्ड थिंग बहुत कॉमनली जो हम देखते हैं वो है आर्थराइटिस. बहुत ज्यादा जोड़ों में सूजन, छोटा मोटा दर्द नहीं, आर्थराइटिस जब हम कहते हैं तो जोड़ों में भयंकर सूजन और सुबह उठने पे भयंकर अकड़न होती है. और ये तीन चीजें कॉमन है बट इतना इजी नहीं है. जैसा मैंने लूपस पेशेंट्स में ये चीजें मिलती है, लेकिन अराउंड 30-40% लूपस पेशेंट्स में इन चीजों के अलावा डायरेक्ट प्रेजेंटेशन होती है. कभी कोई लीवर की प्रॉब्लम्स लेके, कभी कोई आंख की प्रॉब्लम्स लेके, कभी किसी में अचानक किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो बहुत बार हमारे ल्यूपस के पेशेंट हमें दूसरे फील्ड से भेजे जाते हैं. जैसा अभी अभी हमारे पास एक ल्यूपस की पेशेंट है जिनको आंख में सडनली प्रॉब्लम हो गई थी. वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गई, उनको लगा कि ये ल्यूपस से रिलेटेड हो सकते हैं. उन्होंने हमें भेजा, हमने ब्लड टेस्ट करवाए तो उनमें ल्यूपस के टेस्ट पॉजिटिव आए, पर उनको कोई भी रैशेज वगैरह आर्थराइटिस नहीं था. तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यस, अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन और रैशेस हो रहे हैं तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को दिखा के डायग्नोसिस करना चाहिए. पर बहुत बार आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास इसलिए भेजा गया था, खासकर कुछ लूपस पेशेंट्स इसके कि उनके किसी अंग पे असर पड़ा था, वो उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में गए थे और वहां से रिफर किया गया कि आपको लूपस हो सकता है, और लूपस उसके बाद डायग्नोसिस हुआ. बट लेकिन हाँ, सबसे कॉमन चीज रैशेस, आर्थराइटिस और हेयर लॉस है. इसके साथ साथ किसी किसी को लंग में इन्वॉल्वमेंट होगी तो ब्रेथलेसनेस होगी, किसी किसी को पैर में सूजन आ सकती है किडनी में प्रोटीन की वजह से. बहुत बार प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि ल्यूपस में जो खून है वो कभी कभी गाढ़ा हो जाता है, जिससे जो प्रेगनेंसी में बच्चे को खून नहीं पहुंच पाता. तो बहुत सारी फीमेल्स में रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री भी मिल सकती है. बहुत बार हाथ ठंडे पड़ के नीले पड़ सकते हैं, जिसको रेनॉट फिनोमिनन कहते हैं. तो बहुत सारे सिम्टम्स है. हमारे फील्ड में ये भी कहा जाता है कि वर्चुअली आप हर सिम्टम को ल्यूपस में फिट कर सकते हैं. इसका मतलब अगर आदमी को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो ल्यूपस सोचने लगता है, अगर वो गूगल करेगा तो. पर ल्यूपस एक अनकॉमन बीमारी है. ल्यूपस हम तभी सोचते हैं जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो, या कोई ऐसी चीज हो जो ल्यूपस से रिलेटेड है. सिर्फ मामूली हेयर लॉस या सिर्फ रैशेस होने पर ल्यूपस बनाना सही नहीं होगा. जी जी. तो जो आपने कहा कि औरों और डॉक्टर और स्पेशलिस्ट से रेफर होते हैं,
अगर आप अर्ली स्टेजेस में वो अर्ली स्टेजेस में भी हो सकता है कि आपको रेफरल किसी और डॉक्टर से आए कि यू नो टिपिकली वो इट इज अ केस के थोड़ा बढ़ गया है लूपस इसलिए और ऑर्गन्स इफेक्ट हुए हैं. नहीं ऐसा नहीं है, लूपस डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन पे किसी भी तीव्रता से किसी भी इंटेंसिटी से अफेक्ट कर सकता है. Okay. बहुत बहुत लोगों को छोटे छोटे रैशेस आके धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ेगा, बहुत बार हमारे तक पहुंचने तक लेट होते हैं, बट बहुत लोगों के लिए ये एक बिजली की तरह आता है, एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जिसे कहते हैं कि सडनली कुछ हो गया. तो अभी रिसेंटली हम ऑलमोस्ट 4 to 5 पेशेंट ऐसे देख रहे हैं जिसमें एक में सडनली आंखों में विजन चला गया, एक में सडनली फुट उनका लूज पड़ गया है, काइंड ऑफ अ पैरालेट करेंगे तो ही आपको सीरियस हो सकता है. कभी कभी ये स्टार्ट भी सीरियस चीजों से हो सकता है. ओके okay.